टीकमगढ़ में परिवहन विभाग के बाबू ने विभाग में पदस्थ स्मार्ट चिप प्रभारी पर जान से मारने का और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बाबू का कहना है कि चिप प्रभारी लंबे समय से कार्य को लेकर उनको परेशान कर रहे थे। उधर चिप प्रभारी ने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया है। टीकमगढ़ परिवहन विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 लखन लाल शर्मा ने अपने ही विभाग में कार्यरत स्मार्ट चिप प्रभारी हरिओम मिश्रा पर जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। परिवहन अधिकारी को दिए गए शिकायती आवेदन में लखन लाल शर्मा ने बताया कि हरिओम मिश्रा लंबे समय से उनके साथ अभद्र व्यवहार करते आ रहे हैं और फाइलों को लेन देन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनको फाइल को लेकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भी वे हरिओम मिश्रा को फाइल देने जाते हैं। वे कहते हैं कि सारी फाइल एक साथ लाओ और जब सारी फाइलें देने के लिए जाओ तो समय का तकाजा बताने लगते हैं। जब इस संबंध में हरिओम मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने ऐसे किसी भी घटना से इनकार कर दिया। उधर इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमावत ने मामले में जांच करने की बात कही है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नहीं, हमारा व्यवहार सबसे बढ़िया है। तो लगने वाले जैसे कुछ बता चुके हैं किसने कहा कौन बोल रहा है। हमारा सबसे अच्छा व्यवहार है। जी खड़े हमारे बाबू जी हैं, ये भी एक एम्प्लॉई है तो वो बता सकते हैं। और भी हमारे कर्मचारी हैं कंपनी की तरफ से। पिछले काफ़ी समय से COVID-19 के कारण, भारत बंद के कारण कार्यालय भी प्रभावित रहा है और लगभग ये स्थिति संपूर्ण देश में रही है। ये हो सकता है कि जब बंद के दौरान कुछ कार्य ऐसा आया हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो अमला था परिवहन विभाग का, वो माइग्रेंट्स को और मजदूरों को इंटर स्टेट और स्टेट में लाने के लिए प्रयासरत था, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच अगर कुछ विवाद इन दोनों के बीच में आया है तो अगर जैसा आप बता रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम तुरंत ही जो है इसका पुलिस में कंप्लेन कराएंगे और FIR दर्ज करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।